निजामुद्दीन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई, कुर्सियां चली, एक दूसरे के साथ जमकर गाली गलौज भी किया गया। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के ग्रामीण इलाके निंबोवली की है, जहां ग्रामीण चुनाव होने वाला है और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को कुर्सियों से पीटते हुए साफ देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। दरअसल एनसीपी तालुका अध्यक्ष गणेश गुलवी और शिवसेना के प्रवीण गुलवी की इस ग्रामीण चुनाव में टक्कर है। शिवसेना के प्रवीण गुलवी ने इलाके में एक बैनर लगाया और ये बैनर को लेकर विवाद शुरू हुआ। गणेश गुलवी शिकायत करने के लिए निवालुक कार्यालय पहुंच गए और वहीं पर एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुर्सियों से मारपीट शुरू हो गई, जमकर गाली गलौज हुआ, हंगामा हुआ। इस दौरान काफ़ी हंगामा चलता रहा और निवाड़ुक अधिकारी ने सरकारी काम में रुकावट डालने पर शांति नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया है। दूसरी खबर भी भिवंडी शहर से है, जहां भिवंडी के शांति नगर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम अकरम हबीबुल्लाह अंसारी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अकरम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर में प्लास्टिक के पट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।